और आपको बता दें कि आज जमशेदपुर में खतियानी जोहार यात्रा है। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से कमर्शियल विमान सेवा थोड़ी देर में शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। ये राज्य का तीसरा एयरपोर्ट होगा जहां से नियमित कमर्शियल विमान सेवा शुरू हो रही है। फिलहाल यहाँ से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए उड़ानें उपलब्ध होंगी। और ये सीधी तस्वीर हम आपको जमशेदपुर से दिखा रहे हैं। देखिए, आज से कमर्शियल विमान सेवा शुरू हो रही है। कमर्शियल फ्लाइट जमशेदपुर से और फ्लैग ऑफ करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोनारी एयरपोर्ट, जहां से कमर्शियल फ्लाइट सर्विस आज से शुरू हुई है। जमशेदपुर में पहले भी कमर्शियल फ्लाइट सर्विसेज थी, लेकिन पिछले दस सालों से ये बंद थी और अब मुख्यमंत्री पहुंचे यहां पर, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है और आज से एक बार फिर से कमर्शियल फ्लाइट सर्विस शुरू कर दी गई। हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, फ्लैग ऑफ करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? बिल्कुल, देखिए आरती है, फ्लैग ऑफ कर रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री, उनके बगल में मंत्री चंपाई सोरेन है, विधायक जो पोटका के संजीव सदार हैं और टाटा स्टील के चाणक्य चौधरी, तमाम जो विधायक और मंत्री है, तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। और निश्चित है अब ये फ्लाइट आज से शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री देखिए स्वयं खड़ा होकर देख रहे हैं। जो फ्लाइट के जो पायलट है वो पायलट अपने प्लेन पे बैठ गए हैं और बस कुछ क्षण में स्टार्ट होगा और उसके बाद ये फ्लाई ऑफ हो जाएगा। तो निश्चित है, कह सके कि जमशेदपुर लोगों के लिए बड़ी मांग थी और वो मांग को आज पूरा होता देख रहा है, क्योंकि मैं पहले भी बताया कि यहाँ बिजनेस क्लास के काफी लोग रहते हैं और बिजनेस क्लास के लोग में निश्चित है कि ये जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर लोग को अपने बिजनेस के सिलसिले में कल कोलकाता जाना पड़ता है, क्योंकि एक बड़ा सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़ी कंपनियों का वहाँ पे ये रहता है जो ऑफिस है, तो उनके आने जाने के लिए फ्लाइट की जरूरत थी, क्योंकि ट्रेन से लगभग चार घंटा लगता है। तो कहीं ना कहीं कहें तो एक तरह से कहें कि एक बड़ी अच्छी शुरुआत है बिजनेस क्लास के लिए, साथ ही साथ आम लोगों के लिए। फिर बहुत बार ऐसा भी होता है किसी को इमरजेंसी पेशेंट को कहीं अगर लेकर जाना है कोलकाता, तो फ्लाइट नहीं होने के कारण से नहीं हो पाता था, लेकिन अब ये फ्लाइट शुरू हो गया है तो निश्चित है कि जमशेदपुर के लोगों को काफ़ी इसका फायदा मिलेगा और आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिलेगा कि अन्य जगहों के लिए भी जो है उड़ान है वो सेवा शुरू करने की बात कही गई, लेकिन फिलहाल अभी कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए ही उड़ान यहाँ से भरी जा रही है। जैसे पायलट जो है प्लेन को स्टार्ट कर चुके हैं, निश्चित अभी प्लेन उड़ेगा। कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों में उत्साह है और काफ़ी भीड़ भाड़ है। टाटा स्टील के जो अधिकारी है वो मौजूद है, विधायक जो है वो मौजूद है, मंत्री है, हमें नजर आ रहे हैं, भोक्ता मंत्री भी नजर आ रहे हैं, मंत्री बन्ना गुप्ता है, राज्य के मुख्यमंत्री है, तमाम जो विधायक और पदाधिकारी है वो यहाँ मौजूद है। अब कुछ ही क्षण में देखिए आप जो प्लेन है वो अपनी रफ्तार पकड़ रहा है और जो प्लेन की जो लाइट्स है वो जलने से लेकर देखिए प्लेन अपने हम दर्शकों को दिखा रहे किस तरीके से मुख्यमंत्री स्वयं हाथ हिला कर जो 9 पैसेंजर उससे फ्लाई कर रहे हैं, उनका स्वीकार कर रहे हैं और देखिए प्लेन चल चुकी है यहाँ से और ये उड़ान भरने वाली। तो निश्चित है एक तरह से कहें कि ये बड़ी उपलब्धि है जमशेदपुर के लिए, बिजनेस क्लास के लोगों के लिए या फिर अन्य लोगों के लिए। काफी दिनों से मांग चल रही थी, चूंकि पहले भी चल रहा था लेकिन पिछले 10 साल से यह बंद था और आज से इसकी उड़ान शुरुआत हो गई। जी आरती, जी फ्लाइट जो कमर्शियल फ्लाइट है वो सर्विसेज आज से फिर से शुरू हुई हैं। ये कमर्शियल विमान सेवा शुरू कर दी गई है और मुख्यमंत्री ने इसे फ्लैग ऑफ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम अपने दर्शकों को बताएं, ये सीधी तस्वीरें आप जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से देख रहे हैं। यहाँ से पहले भी कमर्शियल फ्लाइट जो थी उड़ाने यहाँ से थी, लेकिन पिछले 10 सालों से ये सेवा बंद थी। अब एक बार फिर से पर कमर्शियल विमान सेवा शुरू की गई है और आज इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एक विमान को फ्लैग ऑफ किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो जमशेदपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात, और सिर्फ जमशेदपुर क्यों, पूरे राज्य के लिए ये एक बड़ी सौगात, यानी कि अब राज्य में 3 ऐसे एयरपोर्ट जहां से सीधी विमान सेवा शुरू कर दी गई है। ये विमान सेवा शुरू की गई है, सोनारी एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।